जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो गाइस, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। किसका नोटिफिकेशन? जो अपलोड वीडियो होगी यहाँ से उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा एंड आप वो वीडियो देख सकेंगे, वीडियो रिलेटेड टू द अपर कोर्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। ठीक है गाइस, तो ये आपको काम करना है। चलो मूव होते हैं, एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू है एंड इस एक्सरसाइज में आज की क्लास में हम सुन चुके क्वेश्चन नंबर 8 सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। एवेल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, लिमिट x टेंड्स टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिक sin 4x, 4x इज द एंगल ऑफ sin ट्रिग्नोमेट्रिक sin होल अपॉन x, ये कंप्लीट sin 4x ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डिवाइड बाय x, x इज अ वेरिएबल दैट इज टेंड्स टू 0। ठीक है, सो अब कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने से पहले देखिए प्रॉब्लम जो है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो लिमिट पे अगर प्रॉब्लम कोई है तो पहले ये आप उसको देखें, आया हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए x tends to 0 sin 4 into 0 means 0 sin 0 का आंसर 0 आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक sin 0 0 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय x x जो 0 है, तो ये 0 upon 0 जो है इसको बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनफिनिटी डिवाइडेड बाय इनफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से कुछ। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने देखा अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 डिवाइडेड बाय 0 मींस इस तरीके से को इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो उसको डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करने, उसको मजीद सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स। वो कौन से मेथड्स हैं? वो प्रॉब्लम को देखकर ही हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं यहां पर क्या होगा, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर साइन पे x tends 0 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन होगा, इस साइन की जो भी एंगल है वो सेम एंगल वाला फैक्ट डिवाइड हो तो इक्वल होता है पानी, ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की जो भी एंगल है वो सेम एंगल उसके अगर डिवाइड हो तो आंसर होता है 1 के, सिंपल है, साइन का फार्मूला का हवाला दे दिया गया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके साफ से सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, साइन की एंगल 4x है, इसके डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी मौजूद है तो सिंपली x से मल्टीप्लाई फैक्टर के अनुसार 4 इज अ मल्टीप्लाई फैक्टर, सो डिनोमिनेटर में जो x है इस x से हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि जो लोग साइन की एंगल 4x है वो साइन एंगल 4x के डिनोमिनेटर में चाहिए, 4x यहां पर डिवाइड में आ जाए 7 की बन जाएगी आंसर 1। चलो सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय x है, हम अपनी तरफ से 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से sin की जो एंगल है वो एंगल नीचे डिनोमिनेटर में सेम करनी है, तो sin की एंगल है 4x, डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी मौजूद है, 4x से मल्टीप्लाई जो है वो नहीं मौजूद, वो नहीं मौजूद तो इसलिए हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद x टेंड्स टू 0 लिमिट है sin 4x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, x की 4 4x मल्टीप्लाई बाय 4 जो न्यूमरेटर में होता है वो सेम है, डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 4x। ठीक है, अब देखिए sin की जो वैल्यू है वो सेम है, आगे इक्वल सेम टर्म आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 है by using this formula, इस formula का sign करें कि हमने formula दे दिया है, according to this formula ये formula के हिसाब से ये complete ये factor है, ये बन जाएगा 1 multiplied by
सिंपल था, शॉर्ट प्रॉब्लम है, जस्ट ध्यान रखना किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज हुआ है, एंगल बैलेंस की है, उसके हिसाब से इसका आंसर है। सो गाइस आइए मूव होते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 9 नंबर प्रॉब्लम, 8 नंबर साथ क्या समझा, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम उसी प्रॉब्लम टाइप का है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मगर इसमें थोड़ी चेंजिंग जरूर है। देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर, कितना ब्रेक टर्म साइन पे स्क्वायर, ऐसी एंगल जो वो एस अपॉन 3 फ्रैक्शनल टर्म है, एक्स डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो देखिए अगर डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 एक्स की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0 साइन 0 0 इक्वल अपॉन में सिंपल एक्स 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट टर्म है, डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, साफ करने से पहले देखना जरूर है डायरेक्ट लिमिट हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ पर नहीं हो रही तो क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पर सिंपल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन है और उसके अलावा कोई भी नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अगर साइन है तो कैसे साफ कर देते हैं, आइए वो भी देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन पे स्क्वायर है एंगल एक्स डिवाइडेड बाय 3 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप इस स्टेप को मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अब देखिए न्यूमरेटर में साइन पे स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो है वो उसमें भी स्क्वायर है, दोनों तरफ से स्क्वायर है तो हम इसको साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन में एक्स है तो इस कंप्लीट फैक्टर को होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिख दिया। न्यूमरेटर में जो टर्म था उसमें भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर टर्म था उसमें भी स्क्वायर था तो दोनों में स्क्वायर होल स्क्वायर बाय कन्वर्ट कर दिया, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के लिए फार हमें आसानी हो इसलिए लिखा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सिर्फ साइन है तो इसके हिसाब से इसको मजीद साफ करने के लिए यहां पर एक साइड पे फार्मूला लिखता हूं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसकी एंगल वो सेम एंगल अगर डिवाइडेड में हो तो समान के बराबर होता है, जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया मेरे सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, साइन की एंगल क्या है x / 3 है तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक में x / 3 चाहिए, x तो मौजूद है मगर x के अपॉन में 3 चाहिए, कह रहा है कोई इशू नहीं है 3 चाहिए तो 3 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, कैसे sin x / 3 होल अपॉन में x ऑलरेडी मौजूद है इस x से 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है होल स्क्वायर आ गया, सही। इस सिस्टम में चेंज कौन सी किया 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों किया है ये क्वेश्चन है, इसलिए किया है क्योंकि ये फार्मूला का साइन का हवाला दिया है, इस फार्मूला के हिसाब से ये टर्म होगा sin ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो इस फार्मूला के हिसाब से होगा, इस फार्मूला में ये समझने में बात आ रही है sin की जो एंगल है वही एंगल वाला फैक्टर उसके डिवाइड में सेम हो तो वन आंसर है, यहां पर sin की एंगल x डिवाइडेड बाय 3 है डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी मौजूद है तो इसके डिवाइड में 3 चाहिए, सेम करनी है 3 चाहिए तो 3 हम अपने तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, सो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास आंसर कौन सा आता है, देखें अब देखें इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / 3 होल अपॉन में x / 3 है इनटू ये जो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है इसको साइड पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 / 3 एंड होल स्क्वायर सेम है, ठीक है। लिमिट को अंदर भेज दिए कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं हम अंदर लिमिट को उस टर्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे लिमिट है उसके हिसाब से, ठीक है गाइस। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, अब देखें होल स्क्वायर सेम है जस्ट x * 1 3 / 3 3 अपॉन में जो है उसको x के डिवाइड में लिख दिया एंड ये बाकी मल्टीप्लाई जो 3 है जो मल्टीप्लाई जो 3 x से हो रहा है वो न्यूमरेटर में जो टर्म है साइन उससे डिवाइड में तो 1 / 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ये जो फैक्टर आया है ये वाला फैक्टर sin की जो एंगल है sin एंगल पोजीशन के डिवाइड में है x / 3 तो x / 3
बाय रूट फार्मूला अकॉर्डिंग टू द दिस फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 अंदर शिफ्ट कर दिए तो इस फार्मूला के हिसाब से ये कंप्लीट फैक्टर इक्वल टू जाएगा 1 के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर sin है sin तो पहले पढ़ा ले ठीक है फार्मूला के हिसाब से उस टर्म की वैल्यू आ चुकी है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है इक्वल्स टू 1 * 1 / 3 इज गोना कॉल 3 sin रहेगा होल स्क्वायर अब ये स्क्वायर दोनों टर्म्स पे 1 पे स्क्वायर 1 पे चाहे जितना भी पावर दे हम सब 1 रहेगा 3 पे भी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 की कोई पावर 2 मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 है तो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो 3 3 जा 9 सो 1 डिवाइडेड बाय 9 ये आ चुका है इसका आंसर ठीक है गाइस सिंपल था जस्ट एंगल बैलेंस कर रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की फार्मूला के हिसाब से ठीक है समझ में आ गया होगा सिंपल था सो गाइस ओके अल्लाह हाफिज़